सर्दियों में हमारे चेहरे पे से पूरी तरीके से रौनक गायब हो जाती है, साथ ही साथ चेहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ जाता है, मॉइस्चराइज़र की कमी हो जाती है और चेहरे पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। ड्राइनेस दूर करने के लिए, ओपन पोर्स को ख़त्म करने के लिए कौन सा पैक लगाएं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठंड के टाइम में मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज जो मैं आपको पैक बताने वाली हूँ, इसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे पर ग्लो ला सकते हैं, ड्राइनेस को हटा सकते हैं, साथ ही साथ जो चेहरा काला हो रहा है आप उसको गोरा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मैं फेस पैक आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट के साथ मैंने इसको बनाया है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स लोगों में भी शेयर करें। फ्रेंड्स, पैक बनाने के लिए आपको लेना है 1 चम्मच बेसन। बेसन इजीली आपके घर पर होगा, जाहिर सी बात है। साथ ही साथ आपको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए रेमेडी बनाने के लिए आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच के तकरीबन चावल का आटा। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पर पतंजलि का मार्केट वाला ही एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। अगर आप यहाँ प्लांट लगा हुआ है तो आप यहाँ पर फ्रेश वाला भी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 1/2 चम्मच ही एलोवेरा जेल लेना है। और उसके बाद हमारे चेहरे पर मॉइस्चराइज़र रहे, बना हुआ, ग्लो रहे ठंड के मौसम में, सर्दियों के मौसम में, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा हम ऐड कर रहे हैं हनी। ये मॉइस्चराइज़र के लिए बहुत अच्छा है और चेहरे पे ग्लो लाने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये दोनों तरीके से काम करेगा। साथ ही साथ अगर चेहरा आपका बहुत ज़्यादा ड्राई है, ड्राइनेस को दूर करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ऑयल। मैं यहाँ पर बेबी जॉनसन का ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वर्जिन कोकोनट ऑयल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच से कम यहाँ पर बेबी ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें कोई भी पानी नहीं मिलाना है क्योंकि हमने इसमें ऑयल और हनी का इस्तेमाल किया है, तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी हैं हमारे पैक बनाने के लिए। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हमें इसको अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ, तो अब मैं आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि कितना डिफरेंट आ जाता है सिर्फ थोड़ी ही देर में। तो देखिए, इस तरीके से आपको अपने फेस पे लगाना है। मैं यहाँ पर आपको हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ। आपको इसी तरीके से अपने फेस पे लेयर को क्रिएट करना है। अच्छे से पूरे फेस पे लगा लीजिए। आपको ये पैक कम से कम 20 मिनट तो रखना ही है, ताकि जब तक ड्राई ना हो जाए। आपको बहुत ज़्यादा सुखाना भी नहीं है, कम से कम 100 में से आपको 80-70% आपको सुखाना है पैक को। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से ही आपको ये लेयर जो है क्रिएट करनी है। आप इसको हाथ पे भी लगा सकते हैं, पैरों पे भी लगा सकते हैं और अपने चेहरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो, वरना आप फेस पे लगा लीजिए। बचता है तो आप हाथ पैरों पे लगा सकते हैं। और 20 मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। थोड़ा सा जब ये ड्राई हो जाएगा, मैं इसको अब वॉश करने जा रही हूँ, फिर मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सा रिज़ल्ट आएगा। अब मैं ये इसको टॉवल से पोंछ रही हूँ, आप देखिए। मैंने लगाया था पैक तो हाथ कैसा था, और मैंने वॉश कर लिया है, तो अब देखिए मैं आपको दूसरा हाथ दिखाती हूँ। बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंस है दोनों में। ये देखिए, काफ़ी साफ दिख रहा है और ये थोड़ा सा काला भी दिख रहा है और डल भी दिख रहा है। तो अगर आप शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो आप इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुरंत ग्लो ला सकते हैं अपने चेहरे पर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।